हमीरपुर नगर परिषद द्वारा चलाए गए स्वच्छता अभियान को स्थानीय लोगों द्वारा सरेआम ठेंगा दिखाया जा रहा है। रात के अंधेरे में लोग अपने घरों का कूड़ा कचरा सड़कों पर फेंक रहे हैं, जिससे आसपास के दुकानदारों में भारी रोष नगर परिषद के खिलाफ देखने को मिल रहा है। हमीरपुर नगर के बीचों बीच मेन बाजार में पिछले कुछ दिनों से रात के अंधेरे का फायदा उठाकर लोग अपने घर का कचरा बोरियों में भरकर सड़क पर रख रहे हैं, जिसके कारण सुबह के समय दुकानदारों को काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। दुकानदारों का कहना है कि जब से नगर परिषद द्वारा बाजार से स्थापित डस्टबिन को हटाया गया है, तब से जगह जगह पर कूड़े के ढेरों का दिखना आम बात हो गई है। ये डेली फेंका जा रहा है यहाँ पे और 12-1 बजे तक यहाँ पड़ा रहता है। अब ये प्रॉब्लम हो गई है, एक हफ्ते से पड़ा हुआ है, जब से ये जो कंटेनर थे, वो कंटेनर जो थे ना बड़े बड़े, वो उठवा दिए गए हैं। उसके बाद यही हरकतें हो रही हैं। उनको तो मालूम है, उनको डेली यहाँ से गाड़ी जा रही है, डेली गाड़ी जा रही है, हर रोज देखते हैं वो। तीन बार तो वो जाते हैं यहाँ पे, मगर उसके बाद भी पड़ा रहता है कई बार। वहीं अन्य दुकानदारों ने बताया कि नगर परिषद ने डस्टबिन को तो हटा दिया है, लेकिन कूड़ा फेंकने के लिए कोई भी स्थान चिन्हित नहीं किया गया है, जिसकी वजह से लोग कहीं भी कूड़ा फेंक देते हैं और नगर परिषद इसे देखकर भी अनदेखा कर रहा है। जो लाता है किसको कहेंगे क्यों फेंक रहा है? अभी तो कमेटी की जिम्मेवारी है कि वो उठवाए। कमेटी वाले भी अनदेखी करते हैं, देखकर चले जाते हैं। या तो वो जगह स्थान बताए कि यहाँ फेंकना है कूड़ा, यहाँ फेंकना है, यहाँ फेंकना। लोगों ने तो फेंकना ही है, घर में तो रखना नहीं किसी ने। यहाँ पे दुकान के आगे फेंका तो ना फेंकेंगे जी, पगार से लाएंगे फेंकेंगे तो जो घर में थोड़ी रखेंगे। या तो कमेटी वाले जगह बताए कि यहाँ फेंको जी कूड़ा, तो बात हुई लोग कहाँ फेंकेंगे, फेंकना ही। गौरतलब है कि स्वच्छता अभियान के तहत हमीरपुर नगर परिषद क्षेत्र में डोर टू डोर कचरा उठाने के साथ ही नगर परिषद में सड़कों के किनारे रखे गए डस्टबिनों को हटा दिया गया है। साथ ही नगर परिषद ने घरों से व दुकानों से कूड़ा उठाने के लिए फीस भी निर्धारित की है, ताकि लोगों का कचरा घर द्वार से ही उठाया जा सके। लेकिन अब लोगों द्वारा की जा रही इस तरह की हरकतें कई सवाल खड़े कर रही है।